पूरा देश मिलके, पूरे देश के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी अधिकारी, जितने भी सब लोग जनता जनार्दन दरबार मिलके अच्छे संवाद के साथ बैठ के इसका पूरा निराकरण कर लो और सब लोगों को एक दूसरे से प्यार से टैकल। जिस प्रकार देखा जा रहा है गेम फिल्मों की बात करेंगे अपन, हम फिल्मों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमसे फिल्मों के बारे में बात करिए और देश देश में अलग अलग चीज़ों में जो है उसके बोलने के लिए बहुत बहुत पारंगत लोग हैं अपने देश में। नहीं, जिस प्रकार फिल्मों में भी देखा जाता है कि पहले काफ़ी फिल्में देशभक्ति भी बनाई जाती थी, काफ़ी अच्छी फिल्म विश्व में करियर बन चुका हो जी जी, जिसका पूरे विश्व में सिलेक्शन हो चुका है जी, आप किस राजनीतिक करियर की बात कर रहे हैं? जैसे कि बहुत सारे स्टार हैं वो राजनीति में गए, आपका भी कोई ऐसा दिमाग जहन में चल रहा हो? 2017 में सर्व संभव पार्टी के निर्माण कर चुका हूँ जी, और 2022 में इलेक्शन में बात करें, अभी धीरे धीरे यूपी के चुनाव में रहेंगे आप? यूपी में पैदा हुआ, यूपी में ही किसान परिवार है, यूपी में रहता हूँ, पूरी दुनिया घूमता लेकिन रहता तो यूपी में ही, तो यहाँ चुनाव लड़ेंगे, यूपी में घमासान होगा। इसका पूरे विश्व में सिलेक्शन हो चुका हो, उसको एक एक जिले में इलेक्शन के लिए क्यों घुसाना चाहते हो आप? पूछी तो इसमें एक मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार गया था तो एक हमारे दादाजी के तुल्य मिले तो बोले बेटा तू किसान का बेटा है, तो हमने हाँ, तो बोले आज सिनेमा में बहुत दिन से किसानों के ऊपर अच्छी फिल्म नहीं देखी, तो 100% कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सर छोटू राम उर्फ रॉबर्ट जो किसान नेता हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम किसानों के लिए बहुत कुछ किया, उनका रोल करने जा रहा हूँ। वो अगले साल आपको बहुत अच्छी एक धार्मिक भी मिलेगी लेकिन इसमें किसानों की कथा और व्यथा के साथ में एक अच्छे सोल्यूशन के साथ फिल्म देखने को मिलेगी। ये शिकोहाबाद क्षेत्र है यादवों, और राजनीति हमारी सेवा है जी, तो अगर हमारी पार्टी के आगे किसी भी देश के अच्छे विकास के लिए, देश को पूरी दुनिया में एक अच्छी जो है सहभागिता निभाने में जहाँ भी राजपाल यादव काम आएंगे वहाँ हम खड़े होंगे। अभी तो फिलहाल गोमती निर्माण जो है 14 जनवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 ये 36 पड़ाव की गोमती की निर्माण यात्रा हो रही, जिसमें 1,000 करोड़ रुपया पूरे विश्व से चंदा मांग के राजपाल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देंगे उसके निर्माण के लिए, क्योंकि मैं गोमती किनारे पैदा हुआ, इसके लिए पहले गोमती का निर्माण कराना है और उसके बाद 33 नदियां जो मुख्य हैं भारत की, इनको दुल्हन की तरह सजाना है। अब राजपाल यादव अभिनय के रूप पेशा और सेवा के रूप में जल का निर्माण और सौंदर्यीकरण। शिकोहाबाद में सिरसा और सेंगन नदियां जो भी लुप्त हो रही हैं, क्या बिल्कुल बनाई जानी चाहिए और बिल्कुल इसका हिस्सा होना चाहूँगा। और मैं आपको, आपने यादवों की बात की तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ने जिनको गुरु माना वो कृष्णम वंदे जगत गुरु, और एक अंश से वंश बनता है और जो इस दुनिया में हर वंश को पूजे वो यदुवंश होता है, तो इसलिए यदुवंश मैं अपने माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सारे यादव वंश से कि यदुवंश पूरी दुनिया में ऐसी विचारों की, संस्कारों की, आचरण की धारा प्रवाहित करो कि अपने को हर वंश को पूजने का मौका मिले और हर वंश को प्यार देने का मौका मिले, हर वंश को प्यार लेने का मौका। बात पूछी तो इसमें एक मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार गया था तो एक हमारे दादाजी के तुल्य मिले तो बोले बेटा तू किसान का बेटा है, तो हमने हाँ, तो बोले आज सिनेमा में बहुत दिन से किसानों के ऊपर अच्छी फिल्म नहीं देखी, तो 100% कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सर छोटू राम उर्फ रॉबर्ट जो किसान नेता हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम किसानों के लिए बहुत कुछ किया था, उनका रोल करने जा रहा हूँ। वो अगले साल आपको बहुत अच्छी एक धार्मिक भी मिलेगी लेकिन इसमें किसानों की कथा और व्यथा के साथ में एक अच्छे सोल्यूशन के साथ फिल्म देखने को मिलेगी। ये शिकोहाबाद क्षेत्र है यादवों, जरूर लगा। एक लास्ट बात, सीए के लिए क्या कहेंगे आप? सीए का जो घमासान चल रहा है, एक लास्ट बात, कुछ तो होगा आपके? पूरे देश के जितने भी इससे संबंधित पदाधिकारी, जितनी भी जनता के लोग बैठ के संवाद के साथ, अच्छे अच्छे माहौल के साथ बैठ के इसको जो भी है इसका बेस्ट सुलझा दो।